तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वेस्ट स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं, क्लास 12th की वीडियो है अपनी। इको का अपना सब्जेक्ट है इको, ठीक है, पार्ट 3 है इसका, पार्ट 2 बन चुका है। इससे पहले राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर अपना 3 है और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने उत्पादन विधि कराया था। उत्पादन विधि में क्या कराया था हमने? उत्पादन विधि में आपको पहले तो उत्पादन विधि के बारे में सारे चरण बताए थे कि उसके चरण क्या है, कदम क्या है, पद क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और सेम इसी प्रकार से इस वाली वीडियो में है, आय विधि के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी है ये, और वो वाली भी जो वीडियो थी पूरी थ्योरी के ऊपर थी। तो आय विधि के ऊपर में हम देखते हैं क्या है चरण। सबसे पहले आय विधि हम निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमें करना क्या होता है दोस्तों, इकाइयों की पहचान की करनी होती है। वहां पे बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं, उस पॉइंट में से हमारे बहुत सारे काम के भी होते हैं और बहुत सारे वैसे भी होते हैं। तो हमें इकाइयों की पहचान करनी है, कैसी इकाइयों की, साधन आगतों के प्रयोग करते हुए, ठीक है। और फिर हमें कैसे कैसे पॉइंट मिलेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक याद है आपको मैंने करवाया था, प्रचालन अधिशेष भी आपको करवाया गया था और मिश्रित आय भी आपको करवाया गया था। पिछली वीडियोस में करवा रखा है मैंने, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख ले, ठीक है दोस्तों। तो अपना पहला स्टेप यही है, इकाइयों की पहचान करिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, ये सब आपको मिलेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होगा आय विधि का, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये सब चीज ढूंढ के उसमें पुट करनी होती है। ये तो थ्योरी है, लेकिन जब मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल तो उसमें आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। देखो करना क्या है, साधन भुगतानों का, साधन जो भुगतान है उनकी राशि आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी पड़ेगी। जो सा फॉर्मूले में, जैसे मान के चलो फॉर्मूले में जो भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो आपको उस फॉर्मूले के हिसाब से वो वस्तु ज्ञात करनी है। नहीं अगर वो दी हुई है तो आपको अनदर एक फॉर्मूला लगा के दोबारा से उस वस्तु को ज्ञात करना है, जैसे कि हम आसानी से पुट कर सके, ठीक है दोस्तों। साधन भुगतानों की राशि को क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है? जब आप साधन भुगतानों की राशि को जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा घरेलू आय, ठीक है। घरेलू आय जब आपको प्राप्त हो जाएगा, तो एक और चीज ध्यान रखिए कि जो विदेश से जो प्राप्त है अपने, क्या शुद्ध साधन आय, उनको आपको ज्ञात करना पड़ेगा। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको सब कुछ देखना है, किस प्रकार से क्या ज्ञात करना है। लेकिन अगर आप, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ठीक है, तो आप जो है ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप लिख लोगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो। इसलिए, और आपको इसलिए पहले थ्योरी कराई जा रही है कि जब आपको प्रैक्टिकल कराया जाए और आपके सामने फॉर्मूले या किस प्रकार का प्रोसेस है वो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपने पांचवे पॉइंट की तरफ। देखो विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है, ठीक है, हमें उसको ज्ञात करना है। जब हम ये ज्ञात कर लेंगे तो अपने पास एक बस लास्ट का जो पॉइंट बचेगा, जिससे हम क्या कर लेंगे, आय विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। घरेलू आय, घरेलू आय में शुद्ध साधन आय को क्या करना है, जो कि हमने पिछले यहाँ पे चौथे पॉइंट पांचवे पॉइंट पे निकाला था, उसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। जब हम उसको प्लस कर देंगे, जोड़कर राष्ट्रीय आय जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया, देखो हमने कितनी सारी पॉइंट ली, ठीक है, आंकड़े लिए, फिर आंकड़े को उसमें डाला हमने फॉर्मूले में, ठीक है, और उन सबको पुट करने के बाद जो लास्ट में जो हमारा राष्ट्रीय आय हमारा ज्ञात हो जाएगा, किस विधि से, हमारा वो उत्पादन विधि से ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमारे पिछले पार्ट 2 में बताया गया था। और ये पार्ट 3 है, तो इसमें हमने किसके बारे में बताया, आय विधि के बारे में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, जैसे कि हमें ये पता चल गया कि हमें किस किस प्रकार से हमें निकालना है आय विधि, लेकिन आय विधि निकालते समय हमारे सामने बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे करते हैं। तो हमें क्या करना है, उस गलतियों को पहले से ही सीख लेना है और वह गलतियां पेपर में या सवाल करते समय नहीं दोहरानी है, ठीक है दोस्तों। एक और बात आपको बता दूं, जिस बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो, उसको नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूँ। देखो क्या है ना कि अपना जो सवाल है वो दो फॉर्मेट में आता है, आप थ्योरी में भी लिख सकते हो और आप प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी में अगर आपने पूरा सही से लिखा पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर प्रैक्टिकल में भी लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, चांस होते हैं थोड़ी गड़बड़ होने की, इसलिए आपको दोनों जो है थ्योरी वाला भी और प्रैक्टिकल वाला भी ढंग से ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं हम सावधानियां की, कि अगर हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हस्तांतरित आय जो होती है अपनी,
मैंने पहले ही बताया था हस्तांतरित आय के बारे में, प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। हस्तांतरित आय जो है अपनी, उसको जो है शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में। क्यों? इसके जो एग्जांपल है, जैसे मान के चलो आ जाता है वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन आ गई, जेब खर्च आ गया, बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी भत्ता आ गई, तो इन सभी चीजों को क्या है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। पूछोगे आप कारण, किसका कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहां देखते हैं, राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता किसको शामिल, हस्तांतरित आय को। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है वृद्धावस्था, पेंशन, जेब खर्च और बेरोजगारी, ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि हस्तांतरण आय होता है, और अगर हम इसको राष्ट्रीय आय में शामिल भी कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। हस्तांतरण आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं होती है, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है, राष्ट्रीय आय को, हस्तांतरण आय को शामिल ना करने का। दूसरा हमारे पास मेन जो टॉप पॉइंट निकलता है वो पॉइंट क्या है, कि जो गैर कानूनी आय होता है, ठीक है, गैर कानूनी आय को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में। गैर कानूनी आय से आप क्या समझते हो? मान के चलो कोई चोर है और उसने क्या किया, चोरी करके अपनी आय अर्जित की है, तो वो क्या है आय को अपने नहीं, ये इसी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चोरी किया हुआ पैसा है, चोरी की गई आय है, ठीक है, तो उसे गैर कानूनी आय कहते हैं। मान के चलो एक और अपने पास एग्जाम्पल है, अगर आप जुआ खेलते हो, ठीक है, जुए, सॉरी, अगर आप जुए वाले जो पैसे होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। तो बात आती है, ये हो गई, और चोरी के भी इसमें आय शामिल नहीं की जाती। अब हमारे सामने आता है कारण, कारण क्या है, क्यों नहीं शामिल किया जाता दोस्तों, इसलिए शामिल नहीं किया, इसलिए शामिल नहीं किया जाता इसके अंदर, क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं होता कि ये किस किस टाइम कितनी ज्यादा होती है और किस टाइम कितनी कम होती है, ठीक है, तो इसका अनुमान नहीं होता बिल्कुल हमारे सामने, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय आय में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की आय का कोई भी अनुमान उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करते, ठीक है दोस्तों। आ गया होगा आपको समझ में बहुत अच्छे से। बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। दोस्तों देखो बात क्या है, इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। देखो है क्या, जो पुरानी वस्तुओं की बिक्री है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक कार है और वो कार 2012 में खरीदी गई, ठीक है, उसके बाद जो है 2013 में उसको दोबारा खरीदी गई, इस ओनर ने दूसरे ओनर को बेच दिया, दूसरे बंदे को बेच दिया, ठीक है, तो इस समय क्या है कि इसकी पहले से ही हो चुकी है गणना 2012 के में, तो 2013 में नहीं होगा। एक और बात हमारे सामने क्या आती है, इसके बीच जो बिचौले होते हैं जो कि ये काम करवाते हैं कार बेचवाने के, ठीक है, वो भी है, वो आपका क्या रखते हैं, वो आपका रखते हैं उसमें कमीशन, है ना, कमीशन लेते हैं ना, आप कोई वस्तु बंदे को बोलो कि मुझे बिकवानी है तो वो अपना खर्चा जोड़कर बिकवाएगा, आपसे उतने पैसे लेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी जिससे उसको पैसे लेने हैं, ठीक है, उससे वो क्या करेगा, थोड़े ज्यादा पैसे लेगा जिसमें उसकी कमीशन भी आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी कमीशन और दलाली राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है ये, क्योंकि कई सारे बच्चों को लगता है कि इसको शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन दोस्तों शामिल किया जाता है। कारण हमारे सामने है कि इसको शामिल क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि कारण ये है, ये क्या है, कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है, जो भी उसने कार्य किया है ना, चाहे उसने दलाली वाला ही कार्य क्यों ना किया हो, लेकिन उसने कार्य तो किया है, और अगर कार्य किया है तो कारक आया हो जाएगी, ये कारक सेवा के अंतर्गत आ जाएगी, और ये उसका पुरस्कार होगा, और ऐसी चीजों को किस शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में, इसलिए थर्ड पॉइंट इस वाले उदाहरण को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता पॉइंट हमारे सामने एक और है, और वो है शेयर, शेयर तथा बॉन्ड्स, आपने सुना होगा, इनकी बिक्री के समय खरीद पर दी गई जो राशि होती है या दलाली की गई जो राशि है उसको भी क्या किया जाता है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, चाहे वो बॉन्ड्स या शेयर खरीदी जा रही हो या बिक्री की जा रही हो, ठीक है, उस पर भी दलाली जो उसकी है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों? इसका भी सेम कारण है, कारण क्या है,
कि यह कारक सेवाओं का पुरस्कार है, उसने जो कार्य किया है उसके बदले उसको पुरस्कार मिला है, तो वो एक उसकी आय है, और वो उसकी आय है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में। दोस्तों इसके जो अगले पॉइंट जो और बचते हैं, जैसे कि इसका देखो, इसकी जो सावधानियों के 4 पॉइंट हुए हैं, तो जो इसकी दोस्तों कम से कम 10 पॉइंट है, तो 5 और उसके जो आगे के जो पॉइंट होंगे दोस्तों, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दोस्तों सावधानियां जरूर पढ़नी है, भले ही आपको जो इसके पद है, जो चरण है, वो आपको क्वेश्चंस करने से आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, लेकिन क्या है दोस्तों, आपको सावधानियां जरूर याद करनी है दोनों की, उत्पादन विधि की भी, ठीक है, उत्पादन विधि की भी और आय विधि की भी, दोनों की सावधानियां आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो बाद में। ठीक है दोस्तों, पसंद आई हो वीडियो तो कर दीजिए एक लाइक, ठीक है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है, और शेयर कर दे अपने क्लासमेट्स के साथ साथ, और चैनल कर दे सब्सक्राइब, जिससे नई नोटिफिकेशन और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दे, जिससे नई वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।